दोस्तों बिग बॉस के घर में अली गौनी को सपोर्ट करने जैस्मीन भसीन जा चुकी है। अब ऐसे में राहुल वैद्य बहुत ज्यादा दिशा को मिस कर रहे हैं। यही वजह है कि राहुल वैद्य की बेचैनी देखते हुए बिग बॉस ने न्योता दे दिया है दिशा परमार को बिग बॉस के घर में आने का, वो भी वैलेंटाइंस डे पर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वैलेंटाइंस डे पर राहुल वैद्य को सरप्राइज देने आ रही है दिशा परमार। वैसे आपको बता दें कि राहुल वैद्य बीते काफी दिनों से परेशान चल रहे हैं। कनेक्शन वीक में दिशा परमार को घर में ना देखकर राहुल वैद्य काफी मायूस हो गए थे। इस बात का जिक्र उन्होंने घर में उनका कनेक्शन बनकर आए सिंगर तोशी सबरी से भी किया था। कनेक्शन वीक से भी पहले दिशा परमार की एंट्री को लेकर खबरें आ रही थी। ऐसे में कहा जा रहा था कि मेकर्स दिशा परमार को शो में लाने के लिए काफी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन बार बार दिशा परमार शो में आने से इनकार कर रही है। अब जबकि वैलेंटाइंस वीक चल रहा है और 14 तारीख को वैलेंटाइंस डे है, तो ऐसे में राहुल वैद्य को बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकती है दिशा परमार। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो बहुत जल्द राहुल वैद्य की गर्लफ्रेंड दिशा परमार शो में एंट्री लेने वाली है। दिशा परमार 14 फाब को शो का हिस्सा बनेंगी। मतलब साफ है कि वैलेंटाइंस डे पर मेकर्स राहुल वैद्य के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही दम लेंगे। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोविड को देखते हुए मेकर्स दिशा परमार और राहुल वैद्य के बीच शीशे की एक दीवार भी रखेंगे। फैमिली वीक के दौरान भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला था। अगर आप इस शो में राहुल वैद्य की गर्लफ्रेंड दिशा परमार को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में आकर बताइए कि राहुल और दिशा की जोड़ी आखिर आपको लगती कैसी है।